हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5th वाटर के पार्ट 3rd से। और अगर आपने पार्ट 1st और 2nd नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। मोर टू नो वाटर फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज यूज वाटर इन मैनी वेज। वाटर इज यूज फॉर क्लीनिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कैनिंग एंड फ्रीजिंग दैम। इंडस्ट्री में भी वाटर का यूज़ होता है। वाटर को यूज़ किया जाता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्लीन करने के लिए। वाटर इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंड फूड एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। इन सभी में वाटर को रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज इज़ फॉर कूलिंग पर्पस। जो वाटर होता है, ज़्यादातर जो वाटर होता है इंडस्ट्री में, वो कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है वाटर को। वाटर फॉर पावर। वाटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर टू लाइट होम एंड टू रन फैक्ट्रीज। वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी, इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और फैक्ट्री को रन करने में वाटर बहुत हेल्प करते हैं। वाटर फॉर एग्रीकल्चर। अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर। जो 70% ऑफ फ्रेश वाटर है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। वाटर इन द राइट क्वांटिटी इज़ एसेंशियल फॉर कल्टिवेशन। वाटर राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारी कल्टीवेशन के लिए। वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ इट्स एबिलिटी टू डिसॉल्व मैनी सब्सटेंसेस। दिस प्रॉपर्टी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। बच्चों, जो वाटर में प्रॉपर्टी होती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी कि ये ज़्यादातर सभी जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इस प्रॉपर्टी को हम वैल्यू में मेज़र करते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम फिर क्या कहते हैं जब हम उसे वैल्यू में मेज़र करते हैं? हम उसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स टू फॉर्म क्लाउड्स, इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। बट वेन इट फॉल्स डाउन एज रेन वाटर, मैनी गैसेज फ्रॉम एयर गेट डिजॉल्व इन इट। जब वाटर इवेपोरेट होता है हीटिंग के कारण, तो क्या होता है, ये क्या फॉर्म करता है? जब वाटर इवेपोरेट होता है तो ये फॉर्म करते हैं क्लाउड। क्लाउड कैसे बनते हैं? जब हीटिंग के कारण इवेपोरेशन होता है वाटर में, तो क्या होता है, ये फॉर्म करते हैं क्लाउड। ये प्योर फॉर्म है वाटर का, जो कि एवेपोरेशन के फॉर्म में जा रहा है और क्लाउड बना रहा है, ये क्या है, प्योर फॉर्म है। बट जब रेन के फॉर्म में ये आता है नीचे, फिर से ग्राउंड पर आता है, तो इसमें काफ़ी गैसेस डिसॉल्व हो जाती हैं, मीन्स ये प्योर नहीं रहता। After falling on the ground, it comes in contact with several minerals and salt and dissolves some of them. Hence, it is called an universal solvent. जब ये ग्राउंड पे आ जाता है, उसके बाद ये काफ़ी सॉल्ट्स और मिनरल्स के कॉन्टेक्ट में आता है और ये ज़्यादातर सभी को डिजॉल्व कर लेता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व अनदर सब्सटेंस टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और सॉल्यूशन को बना देता है। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। एसीटोन एंड अल्कोहल्स आर अदर कॉमन सॉल्वेंट। वाटर जो है वो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है और एसीटोन और अल्कोहल और एग्जांपल्स हैं सॉल्वेंट के। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। और जो सब्सटेंस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। कॉमन सॉल्ट एंड सुगर आर टू कॉमन सॉल्यूट्स।
जो कॉमन सॉल्ट होता है और शुगर होती है, ये क्या है? ये कॉमन सॉल्यूट के एग्जांपल्स हैं। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि जिसमें कि क्या होता है, सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं तो वो सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं, वो सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड इट्स एक्वस सॉल्यूशन। द वाटर वी कंज्यूम इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इंक्लूडिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफ़ी, टी एंड इवन टैप वाटर। ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? सॉल्यूशन के। मोर टू नो, इन 1953 पीपल्स इन जापान सफर्ड फ्रॉम नंबनेस ऑफ बॉडी पार्ट्स, विजन एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स एंड एबनॉर्मल मेंटल बिहेवियर। दिस डिसीज इज कॉल्ड द मिनामाटा डिसीज, अकर्ड ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ मिथाइल मर्करी कंटिमिनेटेड फिश कॉट फ्रॉम मिनामाटा बे इन जापान। 1953 में क्या हुआ था कि जो जापान के पीपल्स थे उन्हें वो एक डिसीज से उन्हें डिसीज हो गई थी, और उस डिसीज़ का नेम क्या था? मिनामाटा डिसीज़। उनमें उनके बॉडी पार्ट्स तो थे वो नम रह जाते थे, और उन्हें विजन में प्रॉब्लम होती थी, उन्हें हियरिंग में प्रॉब्लम होती थी, और उनका जो मेंटल बिहेवियर था वो एबनॉर्मल वर्क कर रहा था, मीन्स मेंटल अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। इस डिसीज़ को उन्होंने नाम दिया मिनामाटा डिसीज़। ये कैसे हुई? वहाँ पर एक बे है, मिनामाटा बे जापान में, वहाँ पर जो कंटेमिनेटेड फिश है, मीन्स पॉल्यूटेड फिश है, उनमें क्या पाया जा रहा था? मिथाइल मर्करी। तो जब वो उनको पकड़ के उनको ईट कर रहे थे तो उन्हें ये डिसीज़ हो रही थी। इसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि ये मिनामाटा बे में ये कंटेमिनेटेड फिश के कारण ये प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए इस डिसीज़ का नाम मिनामाटा डिसीज़ रखा गया। फॉर सम एक्सपेरिमेंट प्योर वाटर इज नीडेड। दिस रिक्वायरमेंट इज फुलफिल बाय प्रिपेयरिंग डिस्टिल वाटर। फॉर ओबटेनिंग डिस्टिल वाटर, टैप वाटर इज फर्स्ट हीटेड टू फॉर्म स्टीम। द स्टीम इज देन अलाउड टू कंडेंस। द कंडेंस वाटर दस ऑप्टेन इज डिस्टिल वाटर। इट इज प्योर। द क्लीन टैप वाटर दैट वी यूज इन डेली लाइफ हैज़ मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें प्योर वाटर मिलता है, ओके, और रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें प्योर वाटर की जब नीड होती है तो हमें कौन सी प्रोसेस करनी पड़ती है? डिस्टिल्ड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर को डिस्टिल करने के लिए सबसे पहले जो टैप वाटर आता है उसको हीट करना पड़ता है ताकि वो स्टीम फॉर्म कर ले, और उसकी स्टीम को कंडेंस किया जाता है। फिर जब ये कंडेंस हो जाता है तो जो कंडेंस वाटर है वो डिस्टिल्ड वाटर है, और ये जो हमें अभी वाटर डिस्टिल्ड वाटर मिला है ये ही प्योर फॉर्म है वाटर का। जो टैप से वाटर आता है, क्लीन वाटर आता है क्लीन टैप से, उसमें भी काफ़ी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वाई 2025 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विज बी फेसिंग वाटर क्राइसिस। द ग्लोबल डिमांड फॉर वाटर विल हैव ग्रोन बाई ओवर 40% बाई देन। 2015 में ऐसा कहा जाता है कि 2015 में जो 2/3 वर्ल्ड है पॉपुलेशन फेस करेगी वाटर की प्रॉब्लम, वाटर की कमी, और ग्लोबल की जो डिमांड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए, और वाटर का वेस्ट हो रहा है इसीलिए 40% पहले से बढ़ गई है। When no more substance can be dissolved in the solution at a particular temperature, the solution is said to be saturated at that temperature. जब कोई substance dissolve हो जाए,
when no more substance can be dissolved in the solution at a particular temperature. तो उसको हम क्या कहते हैं, saturated temperature. ऊपर एक example दिया हुआ है. सबसे पहले हम लोगों ने A में लिया water और B में लिया sugar. दोनों को जब mix कर दिया तो ये क्या बन गया, solution. sugar solution. water क्या था, solvent. sugar की क्या थी, सॉल्यूट. और अब जो फॉर्म हुआ है दोनों को मिक्स करने के बाद वो क्या फॉर्म हुआ है, सुगर सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन ऑब्टेन व्हेन द मैक्सिमम पॉसिबल सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन अ गिवन मास ऑफ वाटर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन वाटर. सॉल्यूशन जो हमें कि ऑब्टेंड होता है जब मैक्सिमम पॉसिबल सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व हो जाए मास में, वाटर के मास में मैक्सिमम जो सब्सटेंस है वो डिसॉल्व हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मोर द सॉल्यूट्स एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट पॉइंट. एक सॉल्यूशन जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर ले एक टेम्परेचर पे, उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. आयोडीन, आर बॉडी नीड्स आयोडीन, लैक ऑफ आयोडीन कॉजेस गोइटर. क्या होता है बच्चों, आयोडीन की हमारी बॉडी को नीड होती है, बहुत ज़रूरत होती है आयोडीन की, और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, हमें एक डिसीज़ हो जाती है, उसका नेम क्या है, गोइटर. द ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल इन द विकिनिटी ऑफ द सी कंटेनिंग एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ आयोडीन. आयोडीन इज नॉट फाउंड इन वाटर इन हाई माउंटेनियस रीजन. जो सी वाटर होता है उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, बट जो माउंटेनियस पे माउंटेन एरिया पे जो वाटर पाया जाता है उसमें आयोडीन की कमी होती है. हेंस गोइटर इज प्रेवलेंट अमोंग पीपल्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स अवे फ्रॉम सी ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन देयर बॉडीज. इसलिए ये जो गोइटर की प्रॉब्लम होती है, ये जो गोइटर की डिसीज़ होती है, वो ज़्यादातर उन पीपल्स को होती है जो कि हाई एल्टीट्यूड्स मीन्स माउंटेनियस एरिया में रहते हैं, जो क्या कहते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स या माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि सी उनसे काफ़ी दूर रहती है. नाउ डेज वी गेट स्पेशल गैजेट्स टू मेक वाटर पोर्टेबल. देयर आर फिल्टर्स दैट यूज पोर क्लेंस कैंडल्स. वन नीड टू स्टोर वाटर इन दोज कंटेनर्स एंड यूज इट आफ्टर कम डाउन थ्रू दी पोर्सलिन कैंडल्स. ये बता रहे हैं कि अब तो बहुत सारे गैजेट्स यूज़ करने लगे हैं हम लोग वाटर को पोर्टेबल बनाने का. कैपेसिटी टू डिसॉल्व मैनी सॉल्ट्स इन वाटर. As we know that water is the best solvent, it is known as universal solvent. It has a capacity to dissolve many salts as they are useful for plants, animals. Usually there is a limit of how much substance will dissolve in a fixed amount of water. आपको पता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है वाटर को, क्योंकि इसमें कैपेसिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस को डिसॉल्व करने की, जो कि यूज़फुल रहती है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए. अब क्या इन्होंने बताया कि एक फिक्स्ड अमाउंट में कब तक वाटर डिसॉल्व कर सकता है किसी भी सॉल्यूट को. द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन द वाटर इज इट्स मास विच कैन बी dissolve in 100 ml of water to produce a saturated solution. Hot water often dissolve more than substance than cold water. Solubility क्या होती है किसी भी substance की water में, 100 ml of water में कितना जो है वो substance dissolve हो सकता है उसके mass में, grams में कितना dissolve हो सकता है, उसको हम कहते हैं solubility of a substance. हॉट वाटर जो होता है वो ज़्यादा सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर. दस द टेम्परेचर हैज़ टू बी स्टेटेड व्हेन सॉल्युबिलिटी वैल्यूज़ आर नोटेड.
दीज सॉल्युबल सॉल्ट्स कॉजेस हार्डनेस इन वाटर. इसलिए हमें टेम्परेचर को भी देखना पड़ता है जब कोई जब सॉल्युबिलिटी को हम नोट करते हैं तो. और ये जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं यही कॉज करते हैं हार्डनेस, वाटर को हार्डनेस देने में. हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो सॉल्ट्स होते हैं ये सॉल्युब हो जाते हैं, मींस ये मिक्स कर जाते हैं वाटर के साथ, इसलिए वाटर हार्ड हो जाता है. द सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम सच एज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम सच एज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट डिजॉल्व इन वाटर ब्रिंग हार्डनेस इन वाटर. इसमें बताया गया है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस मिलकर वाटर से हार्डनेस कर देते हैं, वाटर में हार्ड क्या बना देते हैं वाटर को. हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी टेम्प्रेरी और परमानेंट. हार्डनेस ऑफ वाटर जो हार्डनेस रहती है वाटर की वो टेम्प्रेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी. टेम्प्रेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट सच एज कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. जो टेम्प्रेरी सॉल्ट की हार्डनेस होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के सॉल्ट के कारण हो जाती है. टेम्प्रेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड ईजली. टेम्प्रेरी जो हार्डनेस होती है उसको ईजली रिमूव किया जाता है, उसका नाम ही है टेम्प्रेरी हार्डनेस, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं. परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट सच एज कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट डिजॉल्व इन वाटर. जब ये सभी सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं वाटर के साथ तो ये करते हैं परमानेंट हार्डनेस. व्हेन रेन वाटर फॉल्स ऑन ग्राउंड इट रिएक्ट्स विथ रॉक्स एंड डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट गेट कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट बाय द एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जब रेनफॉल होती है तो क्या होता है, वाटर ग्राउंड पर आता है और रॉक्स के साथ और डिफरेंट मिनरल्स के साथ रिएक्ट करता है जो कि अर्थ पर प्रेजेंट हैं. सॉल्ट्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये कन्वर्ट हो जाते हैं बाइकार्बोनेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं. CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है. जब ये रिएक्ट किया वाटर मीन्स H2O के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो इसने क्या बनाया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट. और मैग्नीशियम कार्बोनेट ने जब वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो इसने बनाया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. दस बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट्स वाटर बिकम इम्प्योर. अब जब ये सभी के साथ ज़्यादातर रिएक्ट करेगा तो वाटर क्या हो जाएगा, इम्प्योर बन जाएगा. अंडरग्राउंड वाटर कंटेन मोर सॉल्युबल सॉल्ट्स देन दी सरफेस ग्राउंड. जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो ज़्यादा सॉल्ट्स को डिजॉल्व, उसमें ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व रहता है इन कंपैरिजन टू सरफेस ग्राउंड. जो सरफेस ग्राउंड में कम रहता है डिजॉल्व और अंडरग्राउंड वाटर में ज़्यादा सॉल्ट्स और उसमें सब्सटेंसेस डिजॉल्व होती हैं. डिफ्रेंशिएटिंग द सॉल्यूट सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन. गैस डिजॉल्व इन गैस ड्राई एयर. जैसे कि इसमें सॉल्यूट क्या है, ऑक्सीजन एंड सॉल्वेंट क्या है, नाइट्रोजन. गैस डिजॉल्व इन लिक्विड. गैस को डिजॉल्व किया लिक्विड में कार्बोनेट वाटर. जो कार्बोनेट वाटर है वो इसका एग्जाम्पल है. कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है. जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये क्या सॉल्यूशन बनाएंगे, कार्बोनेट वाटर. लिक्विड डिजॉल्व इन गैस. लिक्विड को गैस में डिजॉल्व किया जैसे कि मॉइस्ट एयर. वाटर सॉल्यूट है इसमें और एयर सॉल्वेंट है. लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड क्या बनाया इसने, विनेगर. एसिटिक एसिड सॉल्यूट है और इस वाटर क्या है, सॉल्वेंट है. जब इन दोनों को मिक्स किया तो इन्होंने क्या बनाया, विनेगर. सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड जैसे कि स्वीट टी.
सी सुगर क्या है इसमें, सॉल्यूट, और टी क्या है इसमें, सॉल्वेंट। मोर टू नो, द टर्म सॉल्वेंट इज ऑल्सो यूज्ड टू रिफर टू अ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंस इन ग्रेटर अमाउंट। सॉल्वेंट ऐसे भी कह सकते हैं हम इजी लैंग्वेज में कि जो कि ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ लेसर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्यूट, और जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस एट दैट टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा 100 ml ऑफ वाटर में, उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी, उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी एक गिवन टेम्परेचर पर। सॉल्युबिलिटीज ऑफ सुगर एंड कॉमन सॉल्ट्स आर 204 ग्राम एंड 36 ग्राम रिस्पेक्टिवली एट रूम टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन वाटर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। जो सॉल्युबिलिटी होती है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएं, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की वाटर में, वो डिक्रीज करती जाती है। और जो सॉलिड्स होती हैं, अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। 1/5 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 1.2 बिलियन पीपल्स रेगुलरली ड्रिंक पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर। 1 person die every 6 seconds from drinking contaminated water। जो 1/5 हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, मीन्स 1.2 billion पीपल्स जो हैं, वो रेगुलरली क्या ड्रिंक कर रहे हैं, पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं। और हर एक पर्सन हर 6 seconds में उसकी डेथ होती है, एक पर्सन की हर 6 सेकेंड में डेथ होती है कंटेमिनेटेड वाटर को ड्रिंक करने से। डिटर्जेंट्स आर वाइडली यूज्ड नाउ अ डेज टू सॉफ्टन वाटर। डिटर्जेंट्स को यूज़ किया जाता है ताकि वाटर जो है वो सॉफ्ट बन जाए, जो हार्डनेस है उसकी वो रिमूव हो जाए। दे लेदर मोर विथ सॉफ्ट वाटर एंड लेस विथ हार्ड वाटर। दे रिमूव ग्रीस फ्रॉम क्लॉथ। ये ग्रीस को भी निकालते हैं क्लॉथ से, जो कि क्लॉथ में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। सो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।